नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल समाचार पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज रीट से संबंधित क्या क्या बातें रखी गई है और उनसे संबंधित कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रीट से संबंधित दो बिंदु है इसमें। रीट की समीक्षा करते हुए अन्य पात्रता, योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं जुड़ी सभी तरह की विसंगतियों को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह किया कि रीट की समीक्षा करते हुए जो अन्य पात्रता है, योग्यता है, वो यानी 37 वेटेज सिस्टम, उन सभी को मतलब प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। दूसरा है, युवाओं को रीट 2018 की विज्ञप्ति सहित अन्य सभी कर्मचारी और सरकारी नौकरियों से संबंधित जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित थे, उनके शीघ्र निस्तारण हेतु सकारात्मक प्रभावी कदम उठाना। वो रीट 2018 की जो भी विज्ञप्ति सहित अन्य सरकारी और सरकारी नौकरियों से संबंधित जो प्रकरण है, यानी रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल टू रिसफल से संबंधित जो भी उनकी मतलब न्यायालय में लंबित है और साइज मेथ वाला मैटर, उन सभी को शीघ्र ही निस्तारण करके सकारात्मक प्रभावी कदम उठाया जाएगा, ऐसा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। साथ ही अन्य जो बातें हम देख लेते हैं, शिक्षित बेरोजगार युवा को 3500 रुपये प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश में पढ़े लिखे युवा वर्ग को रोजगार दिया जाएगा तथा स्वरोजगार हेतु आसान दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही सरकार में संविदा कर्मियों, NRHM, NUHM, पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुम्बिस, आंगनबाड़ी शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक सहित अन्य विभागों अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की समस्याओं का यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन करना तथा प्रदेश के सभी राजकीय विभागों में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को समय रूप से भरा जाएगा। प्रदेश में युवा बेरोजगारों को अधिकाधिक सरकारी, अर्ध सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे तथा प्रदेश की सभी विभागों की योजनाओं का निर्धारण इस बात को केंद्र में रखकर किया जाएगा जो रोजगार उन्मुखी हो तथा प्रत्यक्ष रूप से युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी हो। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोडवेज में किराए माप और साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र के बेलदार, श्रमिक, खनन मजदूरों, खेती मजदूरों की दुकानों, व्यापारिक केंद्रों में कार्यरत मजदूरों एवं कामगारों आदि के लिए कल्याण के लिए योजना बनाते हुए मजदूर एवं कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।